लास्ट वीक मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था, सेमिनार थी उनकी और मेरे कुछ दो सेशन थे, दो टॉपिक्स पे था जहाँ पे मुझे बोलना था। तो वैसे तो उस यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी, काफ़ी अच्छा सा उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था, पर एक चीज़ पे मुझे सरप्राइज हुआ और मुझे लगा कि ये पॉइंट शायद जो मैं बोलने वाला हूँ, इनसाइड आउट आउटसाइड इन, ये शायद हर जगह वैलिड है। तो सेमिनार जो मेरी थी वो कुछ फ्राइडे को थी, तो वेडनेसडे से ही मतलब ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जिसको स्टूडेंट्स में जिसमें थे वो लोग अपना मतलब काफ़ी एंथु में थे, काफ़ी सिंसियर थे अपना एफर्ट करने में, बहुत रेस्पेक्टफुल थे फॉर द स्पीकर्स। बट अब देखिए कैसे स्ट्रक्चर था। एक स्टूडेंट ने कॉल किया जो मेरा पहला सेशन था मॉर्निंग में, उसके लिए यू नो अबाउट मी ए फॉर्मल इंट्रोडक्शन मेरा क्या होगा, तो मैंने उसे बता दिया। फिर दूसरा सेशन सेकंड हाफ में था, उसके लिए दूसरे स्टूडेंट ने कॉल किया, ठीक है। उसके बाद एक स्टूडेंट ने कॉल किया, उसने बताया कि वो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल का पूरा देख रहा है, तो कितने बजे मैं पहुँचूंगा यूनिवर्सिटी और कार पार्किंग के अरेंजमेंट के लिए। फिर उसके बाद एक और स्टूडेंट ने कॉल किया कि लंच का आपकी क्या प्रेफरेंस है, फिर उसे मैंने बताया। उसके बाद एक और स्टूडेंट ने कॉल किया कि सर मीडिया इंट्रैक्शन है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और कैसे होगा। उसके बाद एक और स्टूडेंट ने कॉल किया कि क्या आप कैंपस टूर लेना चाहेंगे कि नहीं। नाउ जस्ट थिंक ऑफ इट, एज ए स्पीकर मेरे को कुछ 6-7-8 लोगों से डील करना पड़ा। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और कुछ और भी थे। ऑफकोर्स एज ए सेड ऑर्गेनाइजेशन कमेटी बहुत ही सिंसियर थी, स्टूडेंट काफ़ी अच्छे थे और टेक केयर कर रहे थे, बट जो स्ट्रक्चर था उन्होंने स्ट्रक्चर क्या बनाया, एक स्ट्रक्चर मतलब एक कमेटी बनाई फूड के लिए, एक कमेटी बनाई फॉर द ट्रांसपोर्ट, एक कमेटी बनाई फॉर द मीडिया इंटरेक्शन, एक कमेटी बनाई फॉर द कैंपस टूर, तो एक कमेटी बनाई नो फॉर द स्पीकर्स ओवरऑल यू नो उसका टॉपिक क्या हो गया। तो उन्होंने अपने हिसाब से तो शायद वो ठीक किया था, पर उसे स्ट्रक्चर क्या ना, जस्ट वंडरिंग मेरे को क्या हो रहा है। आई एम जस्ट डीलिंग विद कुछ 7-8-9 लोगों से मैं डील कर रहा हूँ, उसकी जगह शायद कहीं मेरे साथ बस एक स्टूडेंट आप अलाइन कर दो, मैं उसे बता दूंगा कि ये मेरा सेशन है, ये मेरी प्रेफरेंस है, जो कुछ भी मैं इतने पहुंचूंगा, इतनी देर तक रहूंगा, ये करना चाहता हूं, कैंपस टूर लेना चाहता हूं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी हैसल थी, ऑफकोर्स इट्स ओके टू गिव दिस इन्फॉर्मेशन, बट ये मेरे को रियलाइज हुआ दिस इज अगेन अ वेरी रिलेवेंट एग्जाम्पल ऑफ इनसाइड आउट एंड आउटसाइड इन। इन द सेंस यूनिवर्सिटी में जो कमेटी बनी है, वो जो स्टूडेंट मेंबर बने हुए हैं, उन्होंने अपनी कमेटी बनाई हुई है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ एंड देयर कम्फर्ट थिंग। पर एज अ स्पीकर एंड इफ आई से कहीं मैं उनका एक कंज्यूमर हूँ, तो मेरे को तो बहुत कुछ लोगों से डील करना पड़ रहा है। एज ए सेट ऑफकोर्स कमेटी वाले काफ़ी अच्छे थे, स्टूडेंट काफ़ी सिंसियर थे, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जस्ट थिंक ऑफ इट, दिस बिकम्स द मेंटल मॉडल। यही ए मेंटल मॉडल कॉरपोरेट में चला जाता है, इन द सेंस कहीं आप देखेंगे कॉरपोरेट में भी डिफरेंट ग्रुप बनते हैं बेस्ड ऑन उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे एक्सपर्ट के लोग हैं, तो उनके एक्सपर्ट ग्रुप और डिपार्टमेंट बनते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो कस्टमर को फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट जाना पड़ता है, क्योंकि उस ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन ने अपने डिपार्टमेंट बनाए हैं बेस्ड ऑन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंफर्टेबल है, जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपर्टीज है उसके बेसिस पे, नॉट वॉट कस्टमर को कैसा है, उसका कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। कहीं एक ही डिपार्टमेंट से काम है तो ठीक है, पर कई बार आपको 2-3 डिपार्टमेंट के अंदर काम करना होता है, कोई भी ले लीजिए, चाहे वो बैंक हो गया यू नो, जैसे आपके लिए उनका एक लोन का डिपार्टमेंट होगा, एक डिपॉजिट का होगा, कुछ क्रेडिट कार्ड का होगा, वेल्थ मैनेजमेंट का होगा, तो यू विल बी लाइक यू नो, कहीं आपके पास रिलेशनशिप मैनेजर है तो ठीक है, पर वो कई बार चेंज होते रहते हैं, देन यू हैव टू ओनली फिगर इट आउट किसके साथ बात करनी है, क्या करने का है, क्योंकि ये सब चीज़ें उन्होंने बनाई हैं अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो इट्स लाइक मोर ऑफ ए इनसाइड आउट व्यू। पर मैं देखूंगा एज ए कंज्यूमर, मेरे जैसे ये भाई ये बैंक है वो मेरा ये अकाउंट लो, मुझे ये काम करना है कर दो, बट ऐसा नहीं होता है। तो दिस इज ट्रू आई थिंक इन द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑल्सो आई रियलाइज। आप कभी भी कुछ कहीं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी भी इवन प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो कई बार उनके छोटे छोटे कुछ ग्रुप बने होंगे, क्योंकि जैसे उनकी एक्सपर्टीज वही उस हिसाब से होगी और आप दौड़ते रहेंगे। हमारे सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी ऐसे ही है, कुछ फ्रंट एंड पे तो कोई डेवलप करता है, कोई बैक एंड पे डेवलप करता है,
और कहीं आप बड़े कस्टमर हैं तो ठीक है, वो एक आपके लिए कोऑर्डिनेट कर देगा, वरना आपको कोऑर्डिनेट कराना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा। कहीं मैं आगे इसी में बैंक की बात करूं तो बैंक में कई बार जैसे क्वार्टर एंड पे जो उन्हें बैच जॉब चलाने होते हैं, क्योंकि जैसे क्वार्टर एंड पे काफ़ी काम करना होता है। जैसे एक अकाउंट का हम एग्जांपल ले लें तो उस अकाउंट के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कहीं उस अकाउंट में कुछ और अकाउंट में कुछ कस्टमर रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं हुए तो शायद वो डोरमेंट मार्क कर दिया जाएगा, उस अकाउंट के लिए शायद स्टेटमेंट जनरेट करना, और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो दो अप्रोचेस हो सकते हैं। एक अप्रोच तो ये है कि एक जो जॉब हो वो क्या करेगा, वो सभी अकाउंट्स के लिए पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देगा। दूसरा बैच जॉब क्या करेगा, वो सभी को देखेगा कि डोरमेंट है कि नहीं है। तीसरा क्या होगा, वो स्टेटमेंट जनरेट करेगा। बट आप नोटिस कर रहे हैं ये सिमिलर पैटर्न है। उसकी जगह कहीं एक ऐसा हो कि बस जो एक बैच जॉब है उसने एक अकाउंट को लिया, उसका सब काम कंप्लीट कर दिया, तो उस कस्टमर के लिए जैसे वो कस्टमर कहीं वेट कर रहा है अपने अकाउंट पे ट्रांजैक्ट करने के लिए, तो वो अकाउंट उसके लिए फ्री हो गया है, ही कैन वर्क ऑन दैट अकाउंट। पर क्या हो रहा है, जो बैंक ने शायद अपने जैसा भी उनका प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहा या जो कुछ भी है, तो उसके हिसाब से जॉब शेड्यूल किए हुए हैं जो कि अपने हिसाब से कंप्लीट कर रहे हैं। तो कस्टमर के यहाँ पे मैं अकाउंट को एक रिप्रेजेंटेटिव मानूँ एक कस्टमर का, तो उसका काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी डिफरेंट डिपार्टमेंट काम करते जा रहे हैं। तो अगेन इट्स द सेम गोज बैक टू जैसे मैंने बोला, जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा जब मैं यूनिवर्सिटी में बोलने गया, तो वहाँ पर वो सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन केमिस्ट्री वाले अच्छे हैं, पर हर कोई अपने हिसाब से देख रहा है, उसे अपना एक काम करने का है, ट्रांसपोर्ट का अरेंज कर देने का है, मीडिया का अरेंज कर देने का है। बट एज ए स्पीकर मेरे को चाहिए यार, बस मेरी ये है रिक्वायरमेंट है, करके बताओ, खत्म करो, एंड देन लेट मी फोकस ऑन माई टॉक, जो कुछ भी उसके लिए मैं प्रिपेयर करूँ, एंड इफ आई हैव सर्टन प्रेफरेंसेस, सर्टन क्वेश्चंस और वट एवर, तो मुझे वो बतानी है। अभी वो शायद मैं हर किसी को रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, इस टाइप के मेंटल मॉडल और भी आपने ऐसे देखे हैं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्योंकि कई बार वो जो एक्सपर्ट्स ग्रुप बने होते हैं, देर इज ए रीजन टू इट, क्योंकि वो जो ग्रुप होते हैं उन्हें एक्सपर्टीज आ जाती है। तो चाहे हमने जैसे एग्जांपल लिया उस यूनिवर्सिटी में जो एक फूड कमेटी बनी हुई थी, तो दे आर गुड इन मेकिंग श्योर दैट फूड अरेंजमेंट्स आर प्रॉपर, आई नो, तो दैट दे टेक केयर, बट दे जस्ट टेक केयर कि फूड अरेंजमेंट प्रॉपर है। पर जहाँ से ऑडिटोरियम से फिर वहाँ पे फूड तक जाने के लिए कैसे एडजस्टमेंट हो सकता है, जैसे कई बार होता है आपकी टॉक डिले हो जाती है, तो क्या फूड बाद में अरेंज हो पाएगा या पहले अरेंज हो पाएगा? तो नो, देयर इज चैलेंजेस इन द सेंस, दिस इज लाइक इन सम अदर सेमिनार्स आई हैव एक्सपीरियंस दिस। बट तो लकीली ऑफ कोर्स जब आप एक स्पीकर के जाते हैं तो कोई ना कोई आपको वो हेल्प कर देता है, ऑफ कोर्स बिकॉज दे लुक फॉरवर्ड टू इट। बट आई जस्ट रियलाइज दिस इज द सेम मेंटल मॉडल जो हर कोई अप्लाई करता है, क्योंकि वो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ के हिसाब से कर रहे हैं, तो इट्स लाइक मोर ऑफ ए इनसाइड आउट व्यू। और जो दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डिफरेंट डिपार्टमेंट बढ़ गए हैं, या तीसरा मैंने एग्जाम्पल दिया कि बैंक का क्वार्टर एंड पे वो क्या कर रहा है डिपेंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट, तो एक अकाउंट पे पहले मतलब एक जॉब्स रन हो गए इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, तो जो अकाउंट ए है अभी तक वो फ्री नहीं हुआ है क्योंकि अभी उसके लिए कई और जॉब बाकी हैं, उसका अभी स्टेटमेंट जनरेशन बाकी है, डॉर्मेंट्री का शायद बाकी होगा या कुछ और भी है, वो चीज़ें बाकी हैं। तो इट्स द सेम प्रॉब्लम, इट्स द सेम मेंटल मॉडल, क्योंकि वो जो जॉब्स है वो दे आर गुड इन इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जबकि आप कस्टमर के हिसाब से चेक करेंगे तो उसे कस्टमर को चाहिए कि भाई मेरा अकाउंट है उस पर जो कोई कंप्लीट करना है वो कंप्लीट कर दो, एक कोई करो एंड यू नो कीप ऑन मूविंग, बट ऐसा नहीं है। तो वॉट इज द करेक्ट आंसर? ओके, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद इसके बारे में बात करूंगा। पर ये वीडियो कहीं आपको अच्छा लगा है, कहीं आप इस पर डू यू रिलेट टू इट, तो कहीं इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका कैसा फीडबैक मतलब एक्सपीरियंस रहा है विद डीलिंग विद वेरियस ग्रुप्स एंड कंपनीज। क्या आपको एक इनसाइड आउट व्यू मिलता है या आउटसाइड इन व्यू मिलता है? क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस एवरीबडी सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर क्या यहीं पर ही हम फेल नहीं कर जाते, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर ये साइलोस फेल कर देते हैं। तो कमेंट में बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, और मैं अपने चैनल पे टेक्नोलॉजी और फिनटेक से रिलेटेड और बिजनेस केस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आप बता सकते हैं किसी और टॉपिक पे कहीं आप मुझे चाहेंगे कि वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू।